is Chef Jalaluddin. Today I am sharing with you very famous North Indian recipe, जो बहुत ही पॉपुलर है कलकत्ता में, तो इसका बहुत ही पॉपुलर है कलकत्ता में। तो चलिए आज मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही फैंटास्टिंग एंड लाजवाब रेसिपी। चलिए लेट स्टार्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा कैशू नट पेस्ट, थोड़ा मगज पेस्ट, चार मगज जिसको हम कहते हैं, ये हम डाला, थोड़ा पॉपी सीड का पेस्ट, देन आई ऐड ये ब्राउन ऑनियन का पेस्ट है, अगर ये आपके पास है तो सही है, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। देन आई ऐड सम बिरयानी मसाला, क्योंकि मुगलाई डिश है तो बिरयानी मसाला तो थोड़ा बनता है, इसके हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें हम डालेंगे व्हाइट पेपर पाउडर, थोड़ा सा कलर के लिए हम इसमें थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, इलायची पाउडर में तो हटा रहे सब हो गया। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा क्यावड़ा वाटर, जो एक अच्छा एरोमा देता है चिकन को। ओके, तो अभी हम हो गया हमारा मैरिनेशन तैयार, अभी हम इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, रेस्ट पे रखेंगे, क्योंकि मसाला हमारा चिकन का अंदर तक चला जाए। चिकन अच्छे मैरिनेट हो चुका है, अब हम पैन लेंगे, पैन के अंदर में थोड़ा सा क्लारीफाइड बटर, जिसको हम लोग घी बोलते हैं, वो ले लेंगे। फिर एक चिकन के पीस को हम इस तरीके से इसमें पैन में डाल देंगे, इसको हल्के हाथ रोस्ट कर देंगे। सॉफ्ट टेक्सचर होना चाहिए इसमें, ये कुकिंग में थोड़ा सा टाइम इसीलिए लगेगा कि ये चिकन जो है बहुत सॉफ्ट होता है और जूसी भी होता है इसमें, जूसी एंड ऑयली होता है। ओके, तो
चिकन चाप इज अल्टीमेट रेसिपी फॉर फेस्टिव सीजन। अभी ये फेस्टिवल सीजन में आप इनको चिकन चाप के साथ, चिकन चाप आप बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, रोटी के साथ, इवन आप स्टीम राइस के साथ भी इसको ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालने का, एकदम थोड़ा सा एक बहुत ध्यान का डाल देंगे।